क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने साल 2011 विश्व कप में भारत की जीत को अपने करियर का सबसे सुनहरा पल बताया है। कपिल देव के बाद साल 2011 में दूसरी बार भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे विश्व कप पर अपना कब्जा जमाया था। अन अकेडमी द्वारा आयोजित प्रोग्राम में चर्चा के दौरान सचिन तेंदुलकर ने करियर के शुरुआती 10-12 साल के दौरान के तनाव पर भी बातचीत की। सचिन तेंदुलकर ने कहा, मैंने कपिल देव को विश्व कप उठाते हुए देखा था, तभी से मैंने भी विश्व कप उठाने का सपना देखा था। मैंने सोच लिया था कि जो कुछ भी बीच में आए, मैं अपने सपने का पीछा जरूर करूंगा। मुंबई के वानखेड़े में अपने सपने को जीना अविश्वसनीय अनुभव था। सचिन तेंदुलकर ने आगे कहा, समय के साथ मैंने महसूस किया कि खेल के लिए शारीरिक रूप से तैयारी करने के साथ आपको खुद को मानसिक रूप से भी तैयार करना होगा। मेरे दिमाग में मैदान में प्रवेश करने से बहुत पहले मैच शुरू हो जाता था, तनाव का स्तर बहुत अधिक रहता था। सचिन तेंदुलकर ने कहा, मैंने 10-12 वर्षों तक तनाव महसूस किया था। मैच से पहले कई बार ऐसा हुआ था कि जब मैं रात में सो नहीं पाता था। बाद में मैंने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया कि ये मेरी तैयारी का हिस्सा है। मैंने समय के साथ ये स्वीकार कर लिया कि मुझे रात में सोने में परेशानी होती थी। मैं अपने दिमाग को सहज रखने के लिए कुछ और करने लगता था। सचिन ने आगे कहा, मुझे मैच से पहले चाय बनाने, कपड़े इस्त्री करने जैसे कार्यों में भी खुद को खेल के लिए तैयार करने में मदद मिलती थी। मेरे भाई ने मुझे ये सब सिखाया था। मैं मैच से एक दिन पहले ही अपना बैग तैयार कर लेता था और ये एक आदत सी बन गई थी। मैंने भारत के लिए खेले अपने आखिरी मैच में भी ऐसा ही किया था। तेंदुलकर ने आगे कहा, खिलाड़ी को मुश्किल समय का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन ये जरूरी है कि वो बुरे समय को स्वीकार करे। जब आप चोटिल होते हैं तो चिकित्सक या फिजियो आपका इलाज करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भी ऐसा ही है। किसी के लिए भी अच्छे बुरे समय का सामना करना सामान्य बात है। उन्होंने आगे कहा, इसके लिए आपको चीज़ों को स्वीकार करना होगा। ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो उसके साथ है उस पर भी लागू होती है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो फिर इसका समाधान ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। आपको बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में 51 और वनडे क्रिकेट में 49 शतक जड़े हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आज संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनका जलवा आज भी बरकरार है, जिसकी झलक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दौरान देखने को मिल चुकी है। क्रिकेट से जुड़ी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन की घंटी आप तक सबसे पहले पहुंचे।